तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जौहर जॉट में। तो देखिए अभी जेपीएससी द्वारा नया वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। उससे पहले अगर हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो झारखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी जेपीएससी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो किस डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति, ठीक है, परीक्षा 2024। ऑनलाइन की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हो 10 आने वाली है और आप जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये वेबसाइट है www.jpsc.gov.in। तो ये जब भी ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू होगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप खुद से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सको। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पद का नाम है वन क्षेत्र पदाधिकारी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस कास्ट में कितना है आपका सीट है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है किस, ठीक है, किस कास्ट में कितना है, ठीक है, और आपका वुमेन के लिए कितना है, स्पोर्ट कोटा के लिए कितना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 170 यानी 170 पोस्ट है। चलिए वेतन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9300 से लेकर 34800 तक होने वाला है और ये आपका जो है स्थायी होने वाला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो उम्मीदवार को जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी कोई भी यूनिवर्सिटी से जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और किस सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कृषि अभियंत्रिक, पशुपालन एवं पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन ज्ञान, वनिकी, भूभागशास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ऊंचाई की बात करें हाइट की तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग हाइट रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुरुष के लिए बात करें तो यहाँ पे ऊंचाई जो है वो 152 सेंटीमीटर रखा गया है अनुसूचित जनजाति के लिए, महिला के लिए जैसे कि देख सकते हो 145 अनुसूचित जनजाति के लिए, और जो है सीना बिना फुलाए जो है आपका ये इतना 79 होना चाहिए, ठीक है। और शरीर का परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 4 घंटा में आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना है, आपको किसी तरह का दौड़ नहीं करना है, यानी आप देख सकते हो 4 घंटा में आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना है, ठीक है। और शारीरिक परीक्षण की बात करें महिलाओं के लिए तो यहाँ पे देख सकते हो 4 घंटा में मात्र 14 किलोमीटर ही पैदल चलना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उम्र की गणना कैसे क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1/8/2024 तक जो है आपका 21 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ST/ST/OBC से हैं तो आपको इस हिसाब से जो है कास्ट में छूट मिलेगा, ठीक है। नियुक्ति की चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो पहला जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद आपका मुख्य लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद शारीरिक परीक्षण यानी आपको जो है पैदल चलाया जाएगा 4 घंटा में 25 किलोमीटर और 7/4, उसके बाद फिर आपका मेडिकल जाँच होगा, उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो है तो जैसे कि आप देख सकते हो एग्ज़ाम जो आपका 150 अंक का होगा, ठीक है। यदि अचित व्यक्ति की 10 गुना तथा उससे कम आवृत्ति हो तो सीधे मुख्य लिखित परीक्षा में आयोजित की जा सकेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगर विषय की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ दिया हुआ भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 20 संख्या में क्वेश्चन आएगा, प्रश्नों की संख्या 20, भारत एवं विश्व भूगोल का आपका जो है क्वेश्चनों की संख्या 20, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान से आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 क्वेश्चन, झारखंड का इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति में 30 क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो जो है आप पेमेंट जो है इस फॉर्म को जब ऑनलाइन कीजिएगा तो पेमेंट जो है आप इसके माध्यम से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड, सभी तरह के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS परीक्षा के लिए शुल्क यहाँ पर रखा गया है 600 रुपया, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है। और झारखंड राज्य से जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति है उसके लिए यहाँ पर 150 रखा गया है बैंक चार्ज मात्र, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये जो पैसा है वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा, यानी ये आपको वापस नहीं दिया जाएगा। फॉर्म को ऑनलाइन करने का टाइम जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ईमेल ID, मोबाइल नंबर, User ID, पासवर्ड जो है सब आपको संभाल के रखना और संभाल के डालना है, फ्यूचर में आपका काम आएगा।
अगर फॉर्म भरने के समय अगर किसी तरह का समस्या होती है या आपको समझ में नहीं आ रहा, तब दिए हुए नंबर पे जो है कॉल कर सकते हो, या अगर आपका पेमेंट कट गया फिर भी दोबारा पेमेंट मांग रहा है तब दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर पेमेंट हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म को भरने के लिए जो है एक बार मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र विज्ञान में दिए गए, उसके साथ जो है डिग्री है ग्रेजुएशन का, उसका जो है अंक प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको देना ही है। परीक्षा शुल्क लेना है तो आपको छूट लेने हो तो आपको देना होगा, ठीक है। और आपका अगर भूतपूर्व का अगर सेना है तो उसके लिए भी आपको जो है देना होगा प्रमाण पत्र, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑनलाइन की बात करें तो मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 29/7/2024 से जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है 10/8/2024 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बस इतना ही है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।